नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गोपाल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गोपाल आइए बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों आपका हार्दिक स्वागत है भागवत गीता के सत्संग समारोह में <coughs> श्रीमद् भागवत गीता आनंद दाता है आपके तन मन और धन को पवित्र करने वाला शास्त्र है और गोविंद के मुखारविंद से निकला हुआ बहुत ही सुरीला गीत है जो सबका कल्याण करता है गीता पढ़िए गीता पढ़िए गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए गीता है गोविंद गीत गीता पढ़िए विद्याओं की राजविद्या गीता पढ़िए तन मन धन पवित्र करती गीता पढ़िए गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए तो आइए हम गीता पढ़ते हैं गीता का सत्संग आनंद का दाता है श्रीमद भागवत गीता में अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कर्मों के विषय में आदमी कर्ता के अभिमान से अकड़कर अमचूर बना रहता है जीवन भर कि मैंने किया लेकिन ये झूठ है भगवान कहते हैं गलत है ये आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता यानी हम सब करने के लिए कुछ और भी साधनों की आवश्यकता है और उसमें मुख्य है स्वयं भगवान की सेंक्शन भगवान की स्वीकृति तभी कोई कुछ कर सकता है वरना नहीं कोई कहे कि मैं करता हूं भगवान कहते हैं तुम नहीं करते देखो कन कौन है करता पंच महाबाहु तेरवा श्लोक है अठारहवें अध्याय का पंच महाबा कारणानि निध मे सांख्य कृता प्रोक्ता सिद्धे सर्व कर्मणाम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओ माइटी आर्मड अर्जुन अकॉर्डिंग टू दी वेदांत देर आर फाइव कॉजेस फॉर द प्लिशमेंट ऑफ ऑल एक्शंस नाउ लर्न ऑफ दीज फ्रॉम मी भगवान कह रहे हैं कि जो भी वेदांत सूत्र से वेदांत सूत्र का हवाला देते हुए कहते हैं कि पंचायतानी महाभाव कारणानी निबोध में वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं जैसे कपिल मुनि हैं नारद जी हैं मुख्य दस अवतारों में नहीं है लेकिन चौबीस अवतारों में वेद व्यास जी महाराज सुखदेव गोस्वामी जी भी अवतारों में आते हैं इसलिए भगवान ने वेदांत सूत्र का यहाँ पर नाम उठाया निबोध में यानी मेरे द्वारा जाना गया है तो वेदांत सूत्र में इसका वर्णन हुआ है तो वेदव्यास जी महाराज स्वयं कृष्ण भगवान के ही मुखार बिंद है उनके माध्यम से वेदांत सूत्र की रचना हुई इसलिए भगवान कह रहे हैं कि निबोध में मेरे द्वारा जाने गए हैं शिल प्रभुपाद जी यहां पर ट्रांसलेशन दे रहे हैं श्लोक की ओ माइटी आर्म अर्जुना अकॉर्डिंग टू वेदांत, देर आर फाइव कॉजेस फॉर दिशमेंट ऑफ ऑल एक्शन नाउ लर्न ऑफ दीज फ्रॉम मी इसलिए इसके विषय में मुझसे सुनिए कि पांच कारण हैं कर्म करने के जिनसे कर्म होता है उनको मुझसे सुनिए अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश चे पृथक चेष्टा दैवम चे वात्र पंचम ये पांच कारणों के होते ही कर्म बनता है वरना नहीं हम कहते हैं मैं करता हूं भगवान कह रहे हैं कि एक तो अधिष्ठानम ये शरीर हमारा है ये होना चाहिए नहीं कैसे कर्म करोगे शरीर नहीं होगा तो कैसे कर्म करोगे तथाकर्ता कर्ता यानी वर्कर जो कर्म करेगा कर्णम करने के औजार पाती हथियार जो हाथ है पांव है आंख है ये नहीं होंगे तो आप कैसे कर्म करोगे कर्णम तो ये कर्ण है दसों इंद्रिया हमारी पृथक विधम विविधाश्चर पृथक चेष्टा फिर चेष्टा यानी प्रयत्न कोशिश इनके द्वारा जो कोशिश ये सब कोशिश में लगते हैं मिलकर चेष्टा दैवम चा और फिर देव की स्वीकृति वो परमेश्वर की परमात्मा की जो हमारे हृदय में बैठे हैं उनकी स्वीकृति सैंक्शन होनी जरूरी है तब कोई कर्म बनता है लेकिन अहंकार विमूड आत्मा करता हम इति लेकिन अहंकार के कारण ये आत्मा सोचता है कि मैं करने वाला हूं पांच कारण बतला दिए एक तो इसमें मुख्य है भगवान की स्वीकृति होनी चाहिए विदाउट सैंक्शन ऑफ गॉड द लीफ ऑफ ट्री नॉट मूव ये पत्ता भी नहीं हिलता तेरी सत्ता के बिना प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं खिले ना कोई फूल तो परमात्मा की सैंक्शन होती है तभी ये पांच चीजें यहां बतलाई गई हैं, तो आदमी कुछ कर पाता है वर्कर बन के फिर हम करते हैं हम वर्कर है करता नहीं तस् करता अहम एम विद्या ए करता रम तस् भगवान ने कहा कहानी गीता में कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सर्ता रम अहम उनका कर्ता मैं हूं फिर भी मुझे मुझे अव्यय को तो अकर्ता ही मान वो भी कर्ता का भाव नहीं रखते स्वयं परमेश्वर तमाम ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, फिर भी कहते हैं फिर भी मुझे अकर्ता ही मान ये कर्ता मैं ही हूं मैं इनकी सृष्टि करता हूं फिर भी मुझे तो तू अकर्ता ईमान भैया मैं फिर हमारे छोटे मोटे व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है कि मैंने किया भगवान इसके लिए मना करते ज्ञान देते हैं हमको कि ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले ही करते हो तो इसमें तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा एक जगह पर गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रकृत क्रिय माना करवाणी सर्वशाह प्रकृत्य क्रियमाणानी ये प्रकृति जो मेरी प्रकृति के तीन गुण है रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये कर्म करते हैं लेकिन अहंकार के कारण ये जीव ये प्राणी ये सोचता है कि कर्ता मैं मैंने किया ये कर्म मतलब ये तो मेरे तीन प्रकृति के तीन गुण है सतोगुण जो है सतोगुणी कर्म करवा लेता है जहां भी ये सवार हो जाता है जिसके ऊपर भी उससे सत्योगुणी कर्म करवा लेता है रजोगुणी रजोगुणी कर्म करवा लेता है तमोगुण सवार होता है तमोगुणी करवा बोले मेरी ये तीन धाराएं जो तीन गुणों की बह रही है अनंत ब्रह्मांडों में ये करता है ये कर्म करवाती है और ये ये करने वाली है गुणों का प्रभाव नहीं हो तो कर्म नहीं बनेगा भगवान श्री कृष्ण कह रहे प्रकृत है क्रिय प्रकृत है क्रिय माणानी प्रकृति को मेरी प्रकृति को मेरी प्रकृति के जो तीन गुण हैं इनको ही कर्ता मानिए प्रकृत क्रिया मानानी गुण है कर्माणी सर्वश